हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के बेलदारीचक बाज़ार में। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र का यह लोकल बाज़ार है और यहां आसपास के गांव के लोग छोटी मोटी मार्केटिंग करने आते हैं, ज़रूरत के सामान किनने आते हैं। ज़्यादातर ग्रामीण ही लोग होते हैं इस बाज़ार में और हम आपको फिर बताएं कि ये कोई बड़ा बाज़ार नहीं है। हम यहाँ करने आए हैं जन की बात, यहाँ की जनता से जानने आए हैं उनके मन की बात कि वो लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं, किसे वोट करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि बिहार का सबसे हॉट सीटों में एक पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि यहां से लालू यादव की बेटी मीसा भारती महागठबंधन की आरजेडी की टिकट पे चुनाव मैदान में हैं और उनके खिलाफ एनडीए के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव चुनाव मैदान में हैं। वही रामकृपाल यादव जो कभी लालू यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे और मीसा भारती के चाचा हुआ करते थे, आज स्थितियां बदल गई है। तो पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में यादव समुदाय का वोट सबसे ज़्यादा है और यहां दो यादव चुनाव मैदान में हैं, मीसा भारती और रामकृपाल यादव। अब देखना होगा कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के यादव किस यादव को अपना सांसद के तौर पे देखना चाहते हैं। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। आप क्या सोचते हैं, वोट देते हैं? जी हाँ, वोट देते हैं। कैसे कैसे वोट प्रभावित होता है आपका? कौन सा मुद्दा है जिसकी वजह से आप किसी खास व्यक्ति को वोट करेंगे? हम तो मीसा भारती को वोट करेंगे। मीसा भारती जी। ये आप यादव हैं? नहीं, हम दूसरे कास्ट हैं, फिर भी हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जातिवादी से क्या मतलब है हमको? जातिवादी से क्या मतलब है? आप पहले आदमी मिले हैं मुझे जो कहते हैं कि जातिवादी से क्या मतलब है। ये बताइए कि आप मीसा भारती जी को क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं कि देखिए, मेरे प्रति एक दुख बीता था उस समय। तेज प्रताप जी साथे गए थे, हमारा भगना के तबीयत खराब था, जहाँ कहीं भी हमको इलाज नहीं हो पा रहा था, वहाँ हमको रजनीश कुमार जो अभी जिला अध्यक्ष हैं वो हमको सगरो पहुँचाए, जा कर के फिनेम्स में भर्ती करवाए, हम भागना के उन्हीं को बचा बोले। अब वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, तो हम किन को करेंगे? हम भी उन्हीं को करेंगे। तो तेज प्रताप ने खुद ही जाके भर्ती करवाया जी? वो लिख दिए थे पीछे अथी पर जो एक्सरे था कि जाइए आप वहाँ, वहाँ जाइए, नंबर दीजिएगा, डॉक्टर वहाँ के हैं, तुरंत एडमिशन लेगा। तुरंत लिया। ये बताइए कि रामकृपाल जी ने 5 सालों में कैसा कामकाज किया है, कुछ हैं आप तरफ? तो अभी तक घूमे नहीं हूँ, जीत लिए लेकिन अभी तक देखने के लिए भी नहीं आए कि हाँ कैसा है, का है, नहीं है। चले एक आध बार। वोट मांगने आए कि नहीं? वोट मांगने अभी तक तो नहीं आए हैं। वोट मांगने भी नहीं आए? नहीं आए। तो काम नहीं किए तो वोट भी मांगने नहीं आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। ये बताइए कि कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? जी हम लोग का मुद्दा है सर कि बिहार में नीतीश कुमार जी थे, कोई भी काम ऐसा हुआ नहीं जो पहले 7 नीचे का काम जो था उससे भी कोई प्रभावित नहीं है। कहीं पानी पहुंचा, कहीं नहीं पानी पहुंचा। हम लोग का जन समस्या बढ़ता गया है। अभी पानी का यह तकलीफ है कि हम लोग के पास पानी का बहुत जन समस्या है। इनके सरकार में सिर्फ लूटने थी, लूटपाट का ज़्यादा अथी चला है नीतीश कुमार जी का सरकार में। और लालू जी के रीजन में था कि पहले जहाँ भी छापा कल बोरिंग होता था हम लोग का सुविधा मिलता था, आज 7 नीचे का जो भी काम हो रहा है सब गलत हो रहा है। सब गलत हो रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि लालू राबड़ी के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था। नहीं, गलत बात बोलना है। उनको गलत बात बोलना है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हम बोलते हैं, उनको गलत बात बोलना है। हाँ, गलत बात बोलना है। ये बताइए कि आपका वोट किसके साथ है? हमको लालू जी के साथ वोट है। लालू जी को? आप मीसा भारती को जिताएंगे? हाँ, मीसा भारती को भी जिताएंगे। रामकृपाल जी को क्यों नहीं वोट करना चाहते? वो चुनाव जीत गए हैं, 5 साल के दरमियान में एक बार भी बेलदारीचक में इतना बड़ा घटना भी हो गया के बाद भी नहीं आते हैं देखने के लिए।
बेलदारी चक में कौन सी बड़ी घटना हो गई? एक बार बेलदारी चक में घटना हो गई थी। ये बताइए कि क्या हो गया था बेलदारी चक में? इससे पहले मुस्नापुर में घटना हुई थी सर, जो अभी रेलवे लाइन बन रहा है उसमें छापा पर के एक बच्चा डेड कर गया था। उसमें राम कृपाल जी को हम लोग बुलाया गया, उसमें भी नहीं आए। हम लोग जनता इतना उत्साहित लोग थे कि वो लोग वहाँ का राम कृपाल जी वहाँ नहीं आए, और हम लोग का कोई भी ऐसा समस्या जो समस्या आता है उसमें नहीं आ पाते हैं। उनके दरमियान में 5 साल रहे हैं, हम लोग का कोई ना गली ना नली कुछ नहीं बना। आप बताइए आपका वोट किन मुद्दों से प्रभावित होगा, किसे करेंगे वोट? वोट करेंगे वोट करेंगे आप जिनका जो प्रत्याशी अच्छे लगेंगे उनको हम वोट करेंगे। कौन अच्छा लग रहा है आपको? कौन अच्छा लग रहा है, राम कृपाल यादव या मीसा भारती? अभी तो मीसा भारती लग रहा है अभी। और वोट के दिन तक बदल जाएगा मामला? अभी तो आने वाला मौसम बताएगा। मौसम तब मौसम आएगा? मौसम नहीं आएगा। हाँ मौसम तो आएगा, चुनाव का मौसम आएगा। चुनाव लेकिन चुनाव का मौसम आया हुआ है। ये बताइए कि राम कृपाल यादव के 5 साल के काम काज से खुश हैं? कुछ तो लोग खुश आए हैं, कुछ थोड़ा सा कहीं कहीं गलत कर रहे हैं और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा जनता लोग भयभीत होल है थोड़ा सा। यहाँ पे अभी तक पहले व्यक्ति आप मिले हैं जो हमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा जनता लोग भयभीत है, उनको भी वोट कर सकते हैं। सभी जनता कर रही राम कृपाल यादव को, मीसा भारती को वोट करेंगे? हम लोग भी करेंगे। ये बताइए कि तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि राम कृपाल यादव से नाराज़ है, थोड़ी जनता नाराज़ है? बोलिए कहाँ नाराज़ कहाँ? आपने बोला ना अभी कि नाराज़ है लोग, थोड़ी थोड़े बहुत लोग नाराज़ हैं। थोड़े बहुत नाराज़ हैं। ये बताइए कि अभी आप वोट डालने जाएंगे तो वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चलाए थे स्वस्थ भारत योजना, शौचालय मुक्ति योजना, लेकिन हमारे एरिया में तो अभी तक एक भी शौचालय नहीं बना और पूरे भारत में फैल गया स्वस्थ भारत। ये सोचते हम लोग रह गए अब हमारे घर में शौचालय बनेगा, स्वस्थ भारत होगा, स्वस्थ गांव होगा, लेकिन अभी तो हमारे पास कुछ पहुंचा ही नहीं, तो कैसे मान लें स्वस्थ भारत है मेरे पास? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का नारा दिया था स्वच्छ भारत, लेकिन सरकार बिहार सरकार दावा करती है कि बिहार में सबसे ज़्यादा शौचालय बनाए गए और कई गांव को ODF घोषित कर दिया गया, मतलब कि यहां पे शौचालय बना दिए गए हैं। आप कह रहे हैं, मैं भी अभी एक गांव से गुजर रहा था तो गांव के बाहर पूरे रास्ते में पुट्टी किया हुआ था और वहां से निकलना मुश्किल हो रहा था। तो ये बताइए जो आपकी सरकार है वो दावा करती है वो झूठी दावा करती है? झूठी दावा करती है, एकदम झूठी, उसमें कोई सस्पेंशन नहीं। हमारे ब्लॉक 2-4-10 ब्लॉक का भी आप बायोडाटा उठा कर देखिए, कहीं नहीं शौचालय बना और नहीं स्वस्थ भारत हुआ। पहले था जिस तरह आज भी चल रहा है, स्वस्थ भारत है ही नहीं तो हम कैसे मान लें कि हमारे भारत तरक्की की ओर जा रहा है? सिर्फ नारा लगा दो और देश को जनता को मीडिया के द्वारा दिखा दो तो कैसे मान लें, बताइए आप। ये बताइए कि PM मोदी कह रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के नाम पे, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप मुझे वोट करें, क्या सचमुच PM मोदी ही ऐसे एक व्यक्ति हैं जो देश को सुरक्षित रख सकते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमारे एक भारतीय जवान सिपाही पाकिस्तान में गिरा, वहाँ शो कर दिया गया F-16 मार गिराया, लेकिन उसका कोई सबूत हमें मिला कि F-16 वहाँ पर गिरा या नहीं? ये हमें जानकारी खुलकर अभी तक नहीं मिला। सिर्फ झूठ मूठ का सर्जिकल स्ट्राइक का फोकस बना दिया गया कि हम इतना आतंकवादी मार गिरा है, 300-500 आतंकवादी मरेगा तो हमें ज़रूर पता चलेगा। अब सिर्फ फोकस करने से हम नहीं जान सकते हैं कि वहाँ पे मरा हमारे भारतीय सैनिक कितना 40 जवान शहीद हो गए, उस पर खाली हवा बनाकर राजनीति करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये हवा बना के वोट लेने की साजिश है? वोट लेने की साजिश है। ये बताइए मोदी जी जो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक किए, एयर स्ट्राइक किए, राष्ट्रवाद के नाम पे हमें वोट करें, राष्ट्रवाद राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वोट करें, तो आपको लगता है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आप वोट करेंगे? नहीं। तो किन मुद्दों से प्रभावित होगा आपका वोट? हम तो बेरोजगारी के लेकिन नरेंद्र मोदी के राज में बेरोजगार बहुत ज़्यादा लेकिन हो गया। तो आपका वोट किसके साथ है? मीसा भारती से। मीसा भारती।
आप बताइए आपका वोट किसके साथ? देखिए पहले तो लालू जी के सीजन में लालू जी का सरकार था, तो आदमी को इन्हें उन्हें रात बिहार के आना जाना बहुत कठिन हो गया था। अब मोदी जी का सरकार सेंट्रल सरकार बना, जब से राहुल गांधी जी हटे हैं तो वन कुछ आदमी सब अच्छे से आ जा रहे हैं और अच्छे से काम धाम कर रहे हैं, किसी का डर नहीं। 8-9 बजे रातों को आता जाता है। मतलब पहले जंगल राज था? हाँ कुछ ऐसे था ही। ये बताइए कि आपका वोट किसके साथ? अरे वोट तो किसी को दे तो बात की बात है, मर्जी अनुसार से मोदी जी का सरकार चल रहा है वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के नाम पे, देश की सुरक्षा के नाम पे वोट मांगा जा रहा है वो सही है? देखिए कुछ सही भी है कुछ झूठ भी है, दोनों बात है। ज़्यादा का सो दे देता है कम करता है। तो एक प्रधानमंत्री अगर झूठ बोलता है तो क्या आपको लगता है कि ये सही प्रधानमंत्री हो सकता है? नहीं देखिए कोई प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो है ना या मुख्यमंत्री हो, देखिए सच होता बात तो वहाँ पे झूठ कुछ ना कुछ तो झूठ निकल ही जाता है, ऐसी बात तो ना रहता है। ये नहीं कह सकते हैं कि क्यों गलती कोई बोलता है या कोई सत्य बोल रहा है, देखिए हर बात में कुछ बनावटी रहता है, बनावटी रहता है। हाँ कोई भी किसी का भी सरकार हो या कोई भी नेता हो या कोई भी हो, विरोधी पार्टियाँ हैं जो कहती है कि पीएम मोदी हैं सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है सर, सब तो ऐसा ही बोलते हैं, जैसे राहुल गांधी जी भाषण देते हैं तो कुछ और बोलते हैं है ना, ऐसी बात ना है। और सब तो कुछ ना कुछ तो मिला ही के बोलते हैं, ऐसा थोड़ी है सब दूध का दूला हुआ है क्या, वो झूठ बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं। तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि पप्पू है और अभी तो नवजुवा कुमार लड़के हैं, ऐसा बात तो थोड़ी है ना कि पप्पू, अगर पप्पू रहते तो राष्ट्रपति बनने प्रधानमंत्री बनने का साहस नहीं रखता है कि नहीं बात, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होते। हाँ उम्मीदवार नहीं होते, उनको भी अति कांग्रेस पार्टी से वो हटा दिया जाता है ना, कोई अच्छे आदमी को चुन लेते जैसे बहुत से मनमोहन सिंह पहले थे है ना। लेकिन ये तो कह रहे हैं बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि नहीं कि पप्पू है राहुल गांधी। और तो कहने से कोई भी तो कहता है कि देखिए कोई भी कैंडिडेट किसी का हो कोई भी कैंडिडेट हो, ऐसा थोड़े जो ठहरा होता जो कर रहा है कि हम हार रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया से जीत रहे हैं। ये बताइए कि आपने बिहार की बात कर रहे थे तो बिहार में सुशासन है? बिहार में तो अच्छा ही शासन है, देखिए जैसे कहने की बात हूँ तो पहले ही बोल चुके हैं कि जो समय 15 साल है ना लालू जी का सरकार थे, तो यहाँ बात वो नहीं है कि लालू जी हमने बहुत हमने लोग की इज्जत देते हैं, आते हैं तो कोई भी व्यक्ति नहीं हो रहते हैं तो भी यहाँ बात करते हैं, मगर उनको हम ये शिकायत नहीं कर रहे हैं कि नहीं, मगर अब तो बेचारे वो तो है ना वो तो रहे नहीं, अब अपने पर उनको ही बेटा ही बनेंगे मुख्यमंत्री, बाद होगा इलेक्शन तब अति 2.5 साल अति 1.5 साल बाद, तो हमको ये कहना नहीं कि यदि सेंट्रल सरकार है तो बीजेपी के अच्छे हैं। हाँ सब लोग अच्छे से खा पी रहे हैं, अच्छे से सुखी संपत्ति है, सब दूर दूर के बिजनेस करने के लिए आते हैं, हमारे देहात में है तो यहाँ पे आते हैं करते हैं, शाम से आते हैं शाम से जाते हैं, किसी हमको शिकवा शिकायत नहीं है। अभी इलेक्शन की बात हो गया तो वोट को तो जिनको जो अच्छा लगेगा उनको देंगे, ऐसा थोड़ी है 10 को उनको सपोर्ट है तो 20 को उनको है 5 को उनको है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि देश हित में आपका वोट किसके साथ? देखिए हमको तो हम तो देंगे वोट, सेंट्रल सरकार तो बनाएंगे तो मोदी जी को ही देंगे। हाँ और बिहार में? बिहार में तो हम देंगे ललटेन को देंगे वोट। बिहार में ललटेन को वोट देंगे? बिहार में ललटेन को क्यों देंगे? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो इतना कमीना गंदा आदमी है ना कि जब आते हैं तो रुकते नहीं हैं, वो हमने शिकायत भी दर्ज करते हैं तो वो कहते हैं ना क्या ची नीतीश जी कि अरे बेलदारी चेक कहाँ है, बेलदारी चेक तो हम जानबे नहीं करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति को है ना उसा व्यक्ति आएंगे तो हमने जूता के माला उनको पहनाएंगे, सिंपल सी बात है। हाँ और हमारी को विधानसभा अथी विधानसभा से यह लड़ते हैं श्याम रजक जी, उनको तो पते नहीं कि बेलदारी चौक पंचायत हर गांव कैसा है ना है जय। हाँ यही सब बात है इस वजह से मतलब अब कैसे कहते हैं ना कहते हैं वो तो वही ना कहते कहेंगे, जैसे यहाँ के कोई व्यक्ति बाद अभी यहाँ पे बहुत गरीब लोग हमने सब गरीब व्यक्ति हैं तो बाद अभी कुछ ऐसा हो जाता है घटना या कुछ भी तो शिकायत करते हैं बुलाए जाते हैं तो नहीं आते हैं। ये बताइए आप किस समुदाय से आते हैं? हम तो पासवान जी हैं। पासवान जी यहाँ बहुत सारे पासवान जी अभी थे जो कह रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट नहीं करेंगे, खास करके इसलिए नहीं करेंगे कि रामविलास पासवान उनके साथ हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जब देखिए सिंपल सी बात है देखिए ये बताइए कि रामविलास पासवान दलितों के मसीहा के तौर पर जाने जाते हैं, क्या लगता है कि सचमुच उन्होंने दलितों खास करके पासवान के लिए कुछ काम किया है?
देखिए, हम जात बात से हम नहीं मतलब रखते हैं, ठीक है, हम सभी जात को एक जैसा मानते हैं। अब उनको क्या करना ना करना तो अपना स्तर पे है। जाति के नाम पे राजनीति करते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा कोई बात ना, उनको मैं आज तक देखने के लिए तो हमने को तो नहीं मिला है। हा? नहीं मिला ऐसा बात हमने। बसवान के नेता हैं कि नहीं? वो तो नेता तो हैं, जो जात है उसी का नेता ना रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो ऐसी को देखिए, हम अभी भी बोल रहे थे कि अगर सेंटर सरकार के अगर अभी जो इलेक्शन चल रहा है तो उसमें आएगा तो हम नहीं देंगे। पासवान जी के काम से खुश हैं आप? काम तो अच्छा जगह पे है, काम इन्हें क्या करना है। और हमने का तो जो कह तो रहे हैं कि हमने को जो हमने को विधानसभा वाले जो है जो गोल गोल मत घुमाइए, आप ये बताइए कि पासवान रामविलास पासवान के काम से खुश हैं कि नहीं आप? हाँ तो खुश तो हैं, खुश हैं ना। हाँ, क्या कह रहे हैं लोग कि आप सही टाइम पे स्कूल नहीं आते हैं? हम सही, हमारे बारे में तो कोई शिकायत नहीं हो सकता। पीछे से बोल रहे हैं आपके बारे में? कोई नहीं बोल सकता है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड सही है एकदम। ये बताइए कि अभी वोटिंग होगा तो वोटिंग, जब आप वोट करने जाएंगे मतदान केंद्र तक, तो कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? देखिए, ये जो अभी सरकार चल रही है इनकी तानिशाही से हम छुप गए। हर जगह पर जितना भी देखिए उनको अपना जो भी है, जो उनकी अपनी बात है, अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज तक तंग होके कह दिया कि आप ही का बात माने या और कुछ करे, इस ख्याल से तानाशाही से सुविधा है, काम कीजिए लेकिन तानाशाही हो कि दूसरे के दिल पर बुरा असर पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम सरदार हैं तो हमारे घर में तो छोटा से बड़ा बच्चा है, सबके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको डंटों से बाहर करेंगे, ऐसी बात है। ये बताइए कि मोदी जी 5 साल में कहते हैं कि हम बहुत अच्छी पार्टी काम है, दूसरे पार्टी उसका उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। काम जो जितना कहे है उतना वादा पूरा नहीं किए, लेकिन काम तो कुछ हो भी किया है, थोड़े बैठे हुए थे इतना। ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है 15% बनाम 85% हो रहा है, कौन जी 15%? मतलब ऊंची जातियां, पिछड़ी जातियां, दलित जातियों के बीच में हो रहा है चुनाव? ऊंची जाति और दलित जाति के बारे में हम कुछ नहीं जान कर सकते हैं, लेकिन हम इतने हैं कि हम मोदी जी के खिलाफ हम लोग हैं, इसलिए कि तानाशाही सिर्फ उसमें अभिमान भर गया है। और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं ऊपर से नीचे तक, नीतीश तक बताते हैं आपको, पहले ही ऐलान कर देना कि हमारी ही जीत है, इतना परसेंट है, झूठी झूठी बात, झूठा। जब हम बुजुर्ग हैं तो हमको झूठ कम से कम नहीं बोलना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद, देश की सुरक्षा के लिए आप मुझे वोट कीजिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। क्या आपको लगता है कि सचमुच ये घर में घुस के मार रहे हैं या इनके दावे बस वोट लेने का एक प्रोपगंडा है, साजिश है? घर के घुसने वाली जो बात है प्रोपगंडा है। वो जो 42 को शहीद हुआ था उसके संतोष के लिए ब्लास्टिंग किया गया था, उसका कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। नहीं तो ये बताइए कि इससे वोट प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब वोट तो प्रभावित होगा ही होगा। आप करेंगे वोट? हम तो वोट उनको नहीं करेंगे। आपका वोट किनके साथ है? हमारी वोट उनके विपक्षी के साथ है। हम शुरू से कांग्रेसिया से कांग्रेस है, कांग्रेस है। मीसा भारती की तरफ है? हाँ, मीसा भारती की तरफ है, गठबंधन के कारण। बिहार की बात करना है तो हमारे यहाँ सर लगातार यहाँ ब्लॉक की मांग किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ब्लॉक यहाँ आया नहीं और आगे वाले बनने नहीं दे रहे हैं। यहाँ नीतीश कुमार जी आते हैं, पेपर से मुंह झाँप कर चले जाते हैं, मांग करने के लिए रोड पर लोग फूल और माला लेकर खड़ा रह जाते हैं कि हमारे बिल्लारी चक में ब्लॉक बने। लेकिन तो कोई कह रहे थे कि किसी और चीज़ का माला बना के खड़े रहते हैं, हम तो कैसे रुकेंगे भाई उनकी स्वागत के लिए कि हमारे यहाँ चौराहा पे रोकें।
गाड़ी को रोकें और जनता से मिलें, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है जब से उनकी सरकार बनी है अभी तक उनको बिल्लारी चक चौराहा पे नहीं देखे हैं खड़ा होकर कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री इस रोड से क्रॉस कर रहे हैं। तो हम क्या जाने उनकी क्या मंशा है यहाँ ब्लॉक नहीं देने का। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।